हेलो गाइस, मैं हूं जीवन और मैं लेके आया न्यू रैली ट्रैपिंग वीडियो। और इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे केओस अरीना के उस पार्ट से जो लास्ट वीडियो में छूट गया था। और ये बहुत ही बढ़िया रैली ट्रैपिंग वीडियो है। जितने भी फ्री टू प्ले प्लेयर्स हैं उनको ये रैली क्लिप देखनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि केओस अरीना में ट्रूप्स डैमेज नहीं होते, सिर्फ वुंड होते हैं। तो इसलिए जो प्लेयर्स होते हैं, जो रैली लीड्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट 100% T5 रैली भेजते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि WSA पर रैली लगी, तो मैंने अपने दोनों ही अकाउंट से उसको आके रेनफोर्स किया था और एक्सपेक्टेड था कि हाँ फुल T5 ही आएंगे। तो रैली यहाँ पे वॉक हो रही है, तो मैं जल्दी से अपने ट्रूप्स उस पर रेन कर रहा हूँ ताकि मेरे को रिपोर्ट मिल जाए। खैर, मेरे को अदर अकाउंट में तो मिल जाती ही, लेकिन इसमें भी मिल गई और उसको थोड़ा रेनफोर्स हो जाता तो अच्छा था। यहाँ पे उसके गियर देखिए, सिर्फ 5 पीस ही उसके लेवल 12 के एक्स्ट्रा पे हैं और बाकी सारे लेवल 6-7 ऐसे ही कुछ में हैं। लेकिन फिर भी वो बर्न हो गया। WSA जो कि फ्री टू प्ले प्लेयर है, आप उसके गियर अभी शायद मैं दिखाऊंगा या फिर शायद हैं वीडियो इस क्लिप में कि नहीं, लेकिन आप रिपोर्ट देखिएगा। 4 मिलियन का डैमेज उसको इन्फेंट्री फैलेंग्स में हुआ और एनिमी को 300 प्लस का वॉक बैक भी मिल गया। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 100% T5 रैली थी। 866 कॉम का ये रैली आई थी उस पे, और देखिए 11 मिलियन की T2 फ्रंट लाइन पे भी उसको इतना बड़ा डैमेज हुआ वो। और गलती यहाँ पे उससे ये हुई कि उसके T4 इतने कम हैं। गाइज, आप अगर F2P प्लेयर हैं तो इतने कम T4 में आज के टाइम पे काम नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 2.5 से 3 मिलियन ईच T4 चाहिए होंगे रैली ट्रैप करने के लिए, और वो भी अगर आप मैक्स टाइटन्स वगैरह की रैली लेने की सोच रहे हैं तो, क्योंकि भाई आज के टाइम पे उनके स्टैट्स आसमान छू रहे हैं और हम अभी तक 3-4% बढ़ाने में ही हमको 1 महीना लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आते हैं अगली क्लिप पे। यहाँ पे कपिल पे रैली लगी हुई है और क्योंकि वो ऑफलाइन था तो डबल सेट हो गई यहाँ पे, क्योंकि ट्रैकर बॉट्स की वजह से एनिमीज को उसकी लोकेशन मिल गई। तो 2 गिल्ड्स जो कि हमारे किंगडम में थी, जो कि रोज़ रैलीज कर रही थी, तो वो आई उस पर रैली सेट कर दी। और यहाँ पे आप देखिएगा, हमने कपिल को फ़ोन करके बुलाया कि भाई आजा, तेरे पे रैली लगी हुई है। तो वो आया ऑनलाइन, तो मैंने उसको समझाया कि देख कपिल, रैली दोनों टाइम नहीं कर रहे, दोनों एनिमीज गिल्ड हैं एक दूसरे के लिए भी, तो यहाँ पे एक साथ डबल रैली नहीं आने वाली है। दोनों ही रैलीज के बीच में काफ़ी टाइम रहेगा, गैप रहेगा, तो आराम से काउंटर करना है और सब हो जाएगा। पहले मेन चीज़ ये थी कि काउंटर कर लेना फिर गियर लगाना, मतलब ये था कि आप जैसे रैली आने वाली है तो पहले मेन चीज़ ये है कि भाई अगले ने सेट किया है काउंटर के हिसाब से, तो हमें एंड तक कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी होती फ्रंट में। जब रैली वॉक होती है उसके टेस्ट के बाद, तब हमें करना होता है क्या, फ्रंट चेंज। यहाँ पे देखना आप, रैली उसकी आई कैवेलरी रैली थी, तो मैंने चेक किया कि हाँ कपिल ने गियर तो लगा लिया, लेकिन बर्न क्यों हुआ, बर्न हुआ। और जब न्यूज़ देखी तो अरे भाई साहब, वो इन्फेंट्री फैलेंग्स में ही रह गया जिसमें वो पहले से था। वो उसने गियर पहले चेंज करने सोचा और उसने बाद में फिर फैलेंग्स चेंज करने गया, जहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो इस वजह से उसको 11 मिलियन का डैमेज हुआ, 11.5 मिलियन का। तो उसकी लंका लग गई यहाँ पे, और फिर उसने शील्ड कर ली, जो कि बहुत ही अच्छा था क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं। उसने ऑलमोस्ट अपना 1/3 कॉम्प उड़वा दिया था। तो यहाँ पे अगली क्लिप पे आते हैं। ये मेरा अकाउंट है, एल्ट्र ट्रैप है मेरा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं रात में ऐसे ही ऑफलाइन बेटिंग कर रहा था, तो हुआ ये कि FOD गिल्ड का एक बहुत ही छोटा सा प्लेयर, जो कि एक रैली लीड भी नहीं है, वो मेरे पे आके सेट कर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार इसके लिए गियर भी क्या लगाऊँ, लेकिन मैं गियर लगा भी देता हूँ और मैं देखता हूँ कि रेंज रैली आ रही है तो मैं उसको काउंटर भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था उससे डैमेज नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ये चीज़ की, आप ये बड़े प्लेयर्स के साथ नहीं कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग रैली लीड्स के सामने। उन्होंने ना तो कारपेट यूज़ की, आप मैं देखूँ, ये देखिए 300K का भी डैमेज नहीं हुआ और इतने सारे T5 थे रैली में। तो यही होता है जब आप एक फिलर को रैली करने को कह देते हो,
तो इस रैली को लेने के बाद तो मुझे खुशी भी नहीं हुई थी कि यार ये क्या हो गया, मुझे उल्टा उन्हीं के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि भाई वो एक स्ट्रांग प्लेयर भी नहीं था और उन्होंने उसको कह दिया था कि जा तू रैली कर ले। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यूं ही मिलेंगे हम अगली रैली ट्रैपिंग क्लिप में, जहाँ पे पैलेडिन ने मेरे पे रैली की और बहुत तगड़ा डैमेज हुआ। तो मैं बर्न हुआ या क्या हुआ वो भी एयर ट्रैप में आपको मैं दिखाऊंगा अगली वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए गुड बाय।